हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या चीज़ है जिसकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं। सो सबको आंसर पता होगा, आंसर इज़ वेरी सिंपल, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, या तो प्रोडक्ट या सर्विस, दोनों में से कोई भी जो है किसी भी चीज़ की मार्केटिंग की जा सकती है। बट आप लोग 12th क्लास में हैं, सो यू कॉन्ट आंसर इन अ वन वर्ड, है ना, थोड़ा सा उसे एग्जैजरेट हमें करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एनी थिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू कस्टमर फॉर सेटिस्फेक्शन, एनी थिंग, यानी कोई भी चीज़, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे टेबल हो, चाहे फूड हो, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक कस्टमर को ऑफ़र की जा सके और साथ में वो सेटिस्फेक्शन दे कस्टमर को, वो होता है आपका प्रोडक्ट। बट एक मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है कि प्रोडक्ट क्या चीज़ है? कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, है ना, बहुत सारे पार्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स सा कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा डिफिकल्ट हो जो समझने में थोड़ा, है ना, उसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। बट एक मार्केटियर क्या बोलता है, मार्केटियर क्या बोलता है कि आपका क्या है प्रोडक्ट? अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज एंड गिव्स फंक्शनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फेक्शन, एक ऐसा बंडल जो हमें क्या यूटिलिटी, क्या सेटिस्फेक्शन दे सकता है। थ्री टाइप्स के मार्केटर के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फेक्शन देता है कोई भी एक प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल, सेकेंड वन इज़ साइकोलॉजिकल, एंड थर्ड वन इज़ सोशल। अब ये जो यहाँ पे मैंने तीन सेटिस्फेक्शन की बात की है, आई नो आपको नहीं समझ आए होंगे, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं शूज़ का, आप एक शूज़ है वो एक प्रोडक्ट है, वो थ्री यूटिलिटी देता है। ये फंक्शनल की डेफिनेशन लिखी है मैंने, और यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल की, एंड ये सोशल की। अब हमने शूज़ खरीदा, ठीक है, प्रोटेक्ट फीट एंड गिव कम्फर्ट इन वॉकिंग, आपके फीट को प्रोटेक्ट करता है जब आप चलते हैं, ताकि उसमें चोट वोट ना लगे, पत्थर वत्थर ना चुभ जाए, और कंफर्टेबल होता है जब आप चलते हैं तो पैर नहीं दुखते हैं। तो इसके ये फंक्शंस जो है एक तरह से ये है शूज़ के, तो ये फंक्शनल सेटिस्फेक्शन यहाँ से आपको मिल गया, मतलब फंक्शन से रिलेटेड आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। सेकेंड क्या था, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी थोड़ा दिमाग का मैं भी बता रही हूँ, जो आपको खुद अंदर से फील हो के आप सेटिस्फाइड हैं। कस्टमर में फील कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट बाय वेयरिंग शूज़, एक आप कहीं जा रहे हैं नंगे पैर शादी में, कुछ पहने ही नहीं है, चप्पल जा रहे हैं आप, और एक जा रहे हैं अच्छे से शूज़ पहन के, एकदम बहुत अच्छे लग रहे हैं जो, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, एकदम सबसे अच्छा लगेगा आपको कि अरे उनके उन्होंने के शूज़ ऐसे हैं और मेरे उनसे बेटर है, तो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से फील होगा कि आप स्मार्ट लग रहे हैं बहुत ज़्यादा वो शूज़ पहनकर। या फिर अगर वुमेंस हैं, उन्होंने बहुत हाई हील्स और बहुत सुंदर बैलीज पहनी है, तो उन्हें लगेगा अरे मैं ही सबसे अच्छी लग रही हूँ बस, है ना, एक साइकोलॉजिकल, एक मन में ही उनके दिमाग में आएगा अरे नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है। थर्ड वन इज़ सोशल सेटिस्फेक्शन। अब सोशल सेटिस्फेक्शन से क्या मतलब है? कस्टमर में गेट अप्रिसिएशन बाय वेयरिंग पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शूज़। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना ब्रांडेड शूज़ पहन लिया और आप जो अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं गए और वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया, आपकी बहुत तारीफ़ करी, अरे वाह ये तुमने वुडलैंड के शूज़ पहने हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, है ना, तो एक तरह से आपको सोशली जो है अपने ग्रुप से, अपने फ्रेंड से सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो थ्री टाइप्स के सेटिस्फेक्शन की बात करें मार्केटियर। अब आया है आपका मेन आंसर, फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड, क्या क्या चीज़ें मार्केटेड की जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल कोई प्रोडक्ट हो, सोप, टीवी, बेड, सोफा एंड ऑल, ठीक है। सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, है ना। एक्सपीरियंसेस, शोज़ वगैरह आप देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, आप थिएटर जाते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस है जिसे आप मार्केटिंग जो है मार्केटिंग कर सकते हैं जिसकी। फोर्थ वन इज़ प्लेसेस, प्लेसेस में क्या, टूरिस्ट प्लेसेस लाइक केरला, सिंगापुर, हमने टीवी में भी देखो एडवर्टीजमेंट आती है कि केरला आइए, MP आइए, ये देखिए वो देखिए, है ना, ऐसे करके आती है ना एडवर्टीजमेंट। आइडियाज़ जो है उनकी भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे नो स्मोकिंग, उसकी भी एडवर्टीजमेंट आती है जब आप लोग मूवीज़ देखने जाते हैं थिएटर में, सबसे पहले ये जरा स्मोकिंग से रिलेटेड ही एडवर्टीजमेंट आती है। सिक्स ना लास्ट इज इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर्स, अगर आपको कुछ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं पता, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में नहीं पता, तो आप वहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे उनका ऑफिस या जो भी है कॉल कीजिए और प्रोसीजर जान लो, तो इन्फॉर्मेशन जो है आपको आसानी से उससे रिलेटेड मिल जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, व्हाट कैन बी मार्केटेड,
जो छोटा सा क्वेश्चन था बट उसका आंसर बहुत बड़ा हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.